बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आजकल हम कर रहे हैं स्टैट, तो प्लस वन का ये सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कर लिया था। तो अब हम शिफ्ट हो चुके हैं सेकेंड चैप्टर पे, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा के हम सारे टॉपिक करेंगे। काफ़ी छोटा चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास कलेक्शन में दो तरह की कलेक्शन होती है, प्राइमरी कलेक्शन एंड सेकेंडरी कलेक्शन। तो उन दोनों को डिस्कस करेंगे, वही दो हमारे पास बड़े क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उनके मेथड्स, कौन कौन से सोर्सेज हैं उनमें जिससे हम कलेक्ट कर सकते हैं डाटा, तो वो सारा उसमें डिस्कस करेंगे, ओके। तो इसके बाद हम स्टैट का ऐसे ही पोर्शन कवर करते हुए फिर डिमांड एंड सप्लाई पे जाएंगे, प्रोडक्शन फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, तो ऐसे करके सारा ये कवर करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके मैं प्लस वन का ये सारा स्टैट एंड इकोनॉमिक्स कवर कराने वाला हूँ। तो इसमें हमारे पास, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इसमें है माइक्रो इकोनॉमिक्स, हमारे पास प्लस टू में जाके आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। तो आज की हमारे हमारे पास क्लास है कलेक्शन ऑफ डाटा पे। तो अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हो और आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को वॉच कर सकते हो। उस पर बीकॉम से रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट डाला जा चुका है, जैसे कि मैंने बीकॉम का बिजनेस एंड मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स डाल रखा है। उस पर लगभग मेरी 70 से 80 वीडियोज़ हैं जिसको आप वॉच कर सकते हो और सारा कोर्स कवर कर सकते हो। उसमें मैंने एक एक एक्सरसाइज को कवर किया है, एक एक सम को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की, और काफ़ी रिविजनरी वीडियोस भी उस पर डाल रखी हैं। और साथ में इनकम टैक्स का पोर्शन, कंपनी लॉ का पोर्शन भी मैंने काफ़ी कवर किया है वहाँ पे, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हो। तो यहाँ पे हम करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। तो व्हाट डू यू मीन बाय द कलेक्शन ऑफ डाटा? तो कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब क्या है? तो इट रेफर्स टू द असेंबलिंग ऑफ द फिगर्स। कौन सी फिगर्स? जिस पर्पज़ के लिए आपको डाटा कलेक्ट करना है वो फिगर्स, ठीक है। उन फिगर्स को जाओ कलेक्ट करके लेके आओ, ठीक है। कहाँ पे जाना है? या तो आप बाहर जा सकते हो, या आपको घर में ही मिल रही है तो आप घर में ही उठा लो उन फिगर्स को, ठीक है। आपको जस्ट एक सोर्स चाहिए, सोर्स चाहे बाहर हो, चाहे अंदर हो, चाहे कहीं भी हो, बट आपको तो बस कलेक्शन करनी है अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, तो आप कलेक्शन कर पाओगे, ठीक है। तो फिगर्स विच आर रिलेटेड टू योर प्री डिटरमाइंड पर्पस, यहाँ पे बात की गई है। कलेक्शन कैन बी मेड फ्रॉम द मैनी सोर्सेज, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज। सबसे पहले ये आते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल का क्या मतलब है? इंटरनल का मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे रजिस्टर्स, सर्कुलर्स, मिनट्स हो गए, एंड मैनी मोर डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी काफ़ी कुछ बनाती है, तो उसमें से हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। दीज आर सम इंटरनल सोर्सेज टू कलेक्ट द डाटा, बट इफ द डाटा फॉर विच यू डिमांड इज नॉट प्रेजेंट इन द इंटरनल सोर्सेज, अगर वो डाटा इंटरनल सोर्सेज में प्रेजेंट ही नहीं है, तो आप बाहर जा सकते हो, ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल का मतलब आउटर वर्ल्ड में जाना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के बाहर जाना। तो इसमें आप दो तरीके से डाटा इकट्ठा कर सकते हो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो सबसे पहले प्राइमरी डाटा क्या होता है? जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हो, जिस डाटा को आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हो, आपने ही कलेक्ट करके आपने ही उसको यूज़ करना है, वो तो होता है प्राइमरी, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को अगर स्कोरिंग देना चाहो, अगर रैंकिंग देना चाहो, तो फर्स्ट रैंकिंग किस एक्टिविटी की है, सेकंड रैंकिंग किस एक्टिविटी की है, तो उसमें कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, कुछ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। सेकेंडरी जो पीछे रह जाती हैं, सेकेंडरी जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, प्राइमरी जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब जो पहले करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा जो पहली बार कलेक्ट किया गया और पहली बार यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना। सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा जो पहले ही कलेक्ट हो चुका है, बट उसे दूसरी बार, सेकेंड टाइम यूज में लाया जा रहा है, ठीक है, उसे सेकेंड टाइम यूज में लाया जा रहा है। सो प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड आउट ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज, प्राइमरी डाटा इज दैट डाटा विच इज द फर्स्ट टाइम कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर अ सर्टन पर्पस, ठीक है। सेकेंडरी डाटा इज कलेक्टेड आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग सोर्सेज ऑफ द डाटा, फॉर एग्जाम्पल डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द इंटरनेट, न्यूज़पेपर, सर्कुलर्स, प्रेस रिलीज, रिपोर्ट्स, ये कुछ सोर्सेज हैं, इनमें से डाटा कलेक्ट करो और अपना यूज में लाओ, ठीक है। तो सेकेंडरी वाला ज़्यादा इजी रहता है, प्राइमरी वाला थोड़ा मुश्किल है। तो अब हम बात करेंगे कि आपको अगर प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना है तो उसके मेथड्स क्या होंगे।
सबसे पहला डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि आप खुद जाओगे उस बंदे के पास, उस सामने वाले पर्सन के पास बाहर जाके, ठीक है ना, और उससे इन्वेस्टिगेशन करोगे, उसके साथ इंटरव्यू करोगे, इंटरव्यू करके उसे क्वेश्चन करोगे, वो रिस्पॉन्स करेगा। मतलब आप क्वेश्चन करोगे, वो उस पर रिस्पॉन्स करेगा और आप उसको लिख लोगे। तो इन दिस टाइप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली अप्रोच टू द ओरिजिनल पर्सन टू कलेक्ट द डाटा। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरव्यू मेथड। इसे इंटरव्यू मेथड भी कहा जाता है। तो इन दिस इंटरव्यू ऑफ द ओरिजिनल पर्सन इज बींग डन टू कलेक्ट द, ठीक है ना, तो इन दिस इंटरव्यू ओरिजिनल पर्सन की ली जाती है ताकि हम अपना रेलिवेंट डाटा कलेक्ट कर पाएं एज पर द प्री डिटरमाइंड पर्पज। तो इसकी मेरिट क्या हुई? मेरिट मतलब कि चांसेस ऑफ द रिस्पॉन्स ज़्यादा हो गए, क्योंकि सामने अगर वो व्यक्ति खड़ा है तो अगर उससे हमने कोई क्वेश्चन किया तो उसे रिस्पॉन्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उसकी तरफ देख रहे हैं। तो सेंसिटिव क्वेश्चंस को स्किप किया जा सकता है। अगर हम पहले से कुछ क्वेश्चन सोच के जाते हैं बट उसमें से जाके हमें लगता है कि उस बंदे से ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, ठीक है, या फिर उस लड़की से ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, तो हम उसे स्किप कर देते हैं। तो रेलिवेंट क्वेश्चंस कैन बी एडेड। अगर हमें एट अ टाइम लगता है कि उससे ये भी क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए तो हम उसे ऐड कर सकते हैं। डाटा कलेक्टेड इज मोर रेलिवेंट। डाटा जो कलेक्ट किया जाएगा वो ज़्यादा रेलिवेंट होगा, ज़्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद गया है कलेक्ट करने, ठीक है ना, उसे पता है कि क्या कलेक्ट करना है, तो इसीलिए ज़्यादा रेलिवेंट होगा। तो देयर इज़ मोर होमोजेनिटी इन द डाटा। होमोजेनिटी कैसे होगी? होमोजेनिटी होगी कि अगर हम जाएंगे तो हम ज़्यादातर कॉमन क्वेश्चन ही पूछेंगे। एक दो क्वेश्चन होंगे जो किसी से नहीं पूछेंगे या फिर किसी से ज़्यादा पूछ लेंगे, बट ज़्यादातर हम कॉमन क्वेश्चन ही पूछेंगे, तो इसीलिए डाटा आपका होमोजीनियस ही रहेगा। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हमारे पास मेरिट्स के। तो इसके बाद डीमेरिट्स के पॉइंट। डीमेरिट के पॉइंट मतलब कि अगर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करने जाओगे तो हमें क्या क्या दिक्कत आएगी। ज़्यादा एक्सपेंसिव है भाई, ठीक है, ज़्यादा कॉस्ट तो लगेगी ही, ठीक है, ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। एवरी टाइम डाटा रेलिवेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि कई बार कोई बायासनेस आ जाती है, क्योंकि हम अकेले नहीं जाएंगे, हम कुछ एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट करेंगे, वो एन्यूमरेटर्स हमारी हेल्प करेंगे, तो एन्यूमरेटर्स बायास्ड हो सकते हैं। इट मस्ट इंक्लूड मोर लेबर टू कलेक्ट द डाटा। लेबर ज़्यादा चाहिए, ठीक है, अच्छी लेबर मिलना मुश्किल है, हमें एक्सपर्ट्स चाहिए, एक्सपर्ट्स नहीं मिलेंगे। एन्यूमरेटर्स आर नॉट इजीली अवेलेबल, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो देयर मे बी अ चांसेस ऑफ द बायासनेस, ये सारा कुछ सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो ये डीमेरिट्स होंगे हमारे। तो मेरिट्स हमने लिखी, डीमेरिट्स हमने लिखी। इसके बाद हमारे पास आया सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड देख लेते हैं कौन सा है। तो यहाँ पे सेकंड मेथड है हमारा इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो अब इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में इट इज़ द टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटर अप्रोच टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब अगर हमने मोहन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालनी है तो मोहन के पास नहीं जाओगे, उसके भाई के पास जाओगे या फिर उसके दोस्त के पास जाओगे। इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन कैन अप्रोच द विटनेस और क्लोज बींग ऑफ सच पर्सन और इवेंट, ठीक है, या तो उस पर्सन के या फिर उस इवेंट के क्लोज बींग मतलब उसके आसपास जाओगे फॉर विच यू वॉन्ट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, जिसके लिए आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। इसकी मेरिट्स क्या हुई? इट कैन कवर द वाइड एरिया। वाइड एरिया तो कवर हो ही जाएगा, क्योंकि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है ना, तो वहाँ की हमने इंफॉर्मेशन लेनी है तो आसपास शॉप्स पे जाएंगे, ठीक है, आसपास की शॉप्स पे जाएंगे, वहाँ से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इससे वाइड एरिया कवर हो गया। हमने किसी एक बंदे से नहीं पूछा, हमने शॉपर से पूछ लिया, उसने सारी इवेंट हमें बता दी, ठीक है ना। ऐसे करके हमने आगे जाके पूछा, उसने आगे का बता दिया, तो ऐसे करके हमने वाइड एरिया कवर कर लिया। सो नो मच लेबर इज़ रिक्वायर्ड। ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने सिंगल सिंगल बंदे से थोड़ी पूछना है, हमने तो उस पूरे इवेंट का जायज़ा कुछ बंदों से ही ले लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? ज़्यादा लेबर नहीं लगेगी। इट इंक्लूड्स अ लेस कॉस्ट। तो लेस कॉस्ट तो लगेगी लगेगी, क्योंकि लेबर कम है तो कॉस्ट भी कम है। तो क्रॉस चेक इज अवेलेबल टू मेक इट मोर करेक्ट। तो क्रॉस चेक कैसे करोगे? जैसे कि आपने एक विटनेस से पूछा, उसने बताया, ठीक है, उसको आपने भेज दिया, तो आपने सेकंड से पूछा, सेकंड ने भी बताया, तो आप दोनों को मिला के देखोगे कि सेम है या फिर अलग अलग बता रहे हैं। तो ऐसे करके क्रॉस चेक हो सकता है। तो डाटा कलेक्टेड इज मोर एक्यूरेट बिकॉज पर्सन क्लोज टू द ओरिजिनल पर्सन डज नॉट कंसील एनीथिंग।
ठीक है, तो यहाँ पे डाटा जो कलेक्ट हुआ है वो ज़्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि दूसरा बंदा जैसे कि सोहन के बारे में पूछ रहे हैं, सोहन के बारे में पूछ रहे हैं किससे, उसके दोस्त से, तो उसका दोस्त सोहन के बारे में कुछ नहीं छुपाएगा, ठीक है ना, वो बता देगा सब कुछ, क्योंकि उसे पता ही नहीं क्या छुपाना है क्या नहीं छुपाना, सोहन तो खुद जानता है कि मैं ये नहीं बताना चाहता तो नहीं बताएगा, बट उसका दोस्त नहीं जानता या उसका भाई नहीं जानता, ठीक है ना, तो वो सब कुछ रिवील कर देगा और हमें सब कुछ पता चल देगा एक्यूरेटली। तो यहाँ पे इसकी कुछ डीमेरिट्स, डीमेरिट्स में क्या आएगा, तो कहते हैं दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल इफ देयर इज नो विटनेस, तो अगर कोई विटनेस ही नहीं है, ठीक है, अगर कुछ हुआ बट वहाँ पे आसपास कोई है ही नहीं, तो फिर इस मेथड का यूज़ नहीं हो सकता। तो देयर इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ द बायासनेस, पॉसिबिलिटी है फिर भी बायासनेस की, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है कि कई बार कुछ हुआ होता है बट हम गलत बता देते हैं क्योंकि हमारे ऊपर भी आ सकती है, ठीक है ना, हो सकता है कि हमें पुलिस घड़ीस के ले जाए और हमसे भी क्वेश्चन कर ले जाए, ठीक है ना, तो इसीलिए हम ये कह देते हैं कि हमें ज़्यादा नहीं पता बस इतना पता है, वो हम बता देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है ना, बट हम गलत बता रहे हैं, बायासनेस है उसमें, ठीक है। तो समटाइम द एन्यूमरेटर्स आर नॉट एक्सपर्ट्स, एन्यूमरेटर अगर एक्सपर्ट नहीं होंगे तो हम अच्छे से डाटा नहीं निकाल पाएंगे। तो इफ देयर इज अ ओनली वन विटनेस देन द क्रॉस चेक इज नॉट पॉसिबल, अगर विटनेस ही एक है तो क्रॉस चेक किसके साथ करोगे, तो उसका तो मानना ही पड़ेगा, उसने जो कह दिया वो सही है। आगे थर्ड है इन्वेस्टिगेशन थ्रू द लोकल कोरस्पोंडेंट, तो लोकल कोरस्पोंडेंट्स के थ्रू हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लोकल कोरस्पोंडेंट कौन हो गए, जैसे कि कुछ एन्यूमरेटर्स को, कुछ एजेंट्स को हम कुछ पास के एरियाज में छोड़ देते हैं ताकि वो रिपोर्टिंग कर सकें, रिपोर्टिंग करके हमें वहाँ का जायज़ा दे सकें। ये ज़्यादातर किया जाता है किसी इवेंट के केस में, या फिर जब हमारे पास वोटिंग होनी होती है तब किया जाता है, या फिर कहीं पे कुछ फेयर्स वगैरह लगने हैं, ठीक है, या फिर कुछ बारिश की स्थिति है, या फिर कुछ भी बड़ी रिपोर्ट आनी है, तो उसके केस में ऐसा किया जाता है। तो इन सच टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट सम लोकल एजेंट्स या फिर एन्यूमरेटर्स टू कलेक्ट द होल रिपोर्ट एंड ट्रांसमिट इट टू द इन्वेस्टिगेटर, ताकि वो रिपोर्ट इकट्ठा करके कलेक्ट करके उस इन्वेस्टिगेटर को भेज दें, इन्वेस्टिगेटर उसको प्रेजेंट कर दें। बाय दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कैन कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली फ्रॉम द वेरियस रीजन एट द सेम टाइम, ठीक है, तो सेम टाइम पे काफ़ी रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं तो वो काफ़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके दे देते हैं, ठीक है, तो इससे डाटा काफ़ी कलेक्ट हो जाता है हमारा। तो आगे इसकी मेरिट्स, इन्वेस्टिगेटर कैन कवर द वाइड एरिया कवर हो जाता है, ठीक है, इकोनॉमिकल वे टू गेट द इंफॉर्मेशन, काफ़ी इकोनॉमिकल मतलब काफ़ी कॉस्टली वे नहीं है, ठीक है ना, मतलब मैं यही नहीं कहूँगा कि बिल्कुल सिंपल या फिर बिल्कुल इकोनॉमिकल है, ठीक है ना, कोई भी खर्चा नहीं है, खर्चा तो है बट काफ़ी कम खर्चा है। तो इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड, इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है भाई, तो मोस्टली एक्यूरेट डाटा मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे वो तैनात रहते हैं, वहाँ पे वो डटे रहते हैं, तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो डीमेरिट्स में कहते हैं कि मच लेबर इज़ रिक्वायर्ड, भाई लेबर तो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी होगी, क्योंकि एजेंट्स को अपॉइंट करना है जगह जगह पे, तो लेबर लगेगी। अगर आप कॉस्ट थोड़ी बहुत बोलना चाहते हो कि कॉस्ट हाई है तो हाई बोल सकते हो, क्योंकि कॉस्ट कम भी है और हाई भी है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ऐसे लगा लो कि आपने रिपोर्टर्स छोड़ दिए तो वो एक जगह पे ही अपना डटे हुए हैं, ठीक है ना, तो वो इधर उधर ट्रैवलिंग पे खर्चा इधर उधर नहीं कर रहे, ठीक है ना, वो कहीं पे नहीं जा रहे, ठीक है, तो वो वहाँ पे ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सो स्मॉल कंपनीज कैन नॉट अडॉप्ट दिस मेथड, हमें पता चल गया कि स्मॉल कंपनीज अडॉप्ट नहीं कर सकती क्योंकि लेबर की ज़्यादा ज़रूरत है, तो कॉस्ट तो लगेगी। ओनली द रफ इंफॉर्मेशन कैन बी टेकन इन केस ऑफ द एमरजेंसी, एमरजेंसी के केस में रफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर भगदौड़ होगी तो भगदौड़ में हम क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे और रफ रफ सा जो डाटा होगा वही मिलेगा। समटाइम्स एक्सपर्ट एन्यूमरेटर्स आर नॉट अवेलेबल, कई बार क्या होता है एक्सपर्ट्स नहीं मिलते तो काम नहीं चलता, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट्स का होना ज़रूरी है, उन्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, वो हमें याद रखना होगा, ठीक है ना, और हमें ये सोचना भी होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा अपने इन्वेस्टिगेटर को प्रोवाइड कर पाएं। आगे फोर्थ पॉइंट हमारे पास मेल क्वेश्चनरी, तो मेल क्वेश्चनरी में कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अ लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इज प्रिपेयर्ड, क्वेश्चन की एक लिस्ट बना ली जाएगी, उसको प्रेजेंट किया जाएगा किसके जरिए, या तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए या फिर बाय पोस्ट के जरिए, ठीक है, पोस्ट कर दिया जाएगा और उसका रिप्लाई मांगा जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसको एक पोस्टल एड्रेस पे भेजेंगे, वो बंदा उसको खोलेगा, खोल के उसमें से क्वेश्चनरी निकालेगा, उसे फिल करेगा, फिर
फिल करके वैसे ही पैक करेगा, पैक करके वापस से सेंड कर देगा, ठीक है ना। किस एड्रेस पे, यहाँ से ये आया था, ठीक है ना। तो अ सिक्वेंशियल लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन शैल बी प्रिपेयर्ड एंड सेंड थ्रू अ पोस्ट अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शन एंड द रिक्वेस्ट लेटर, सेंड इट बैक, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें। सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेटर, इंफॉर्मेशन लेटर में कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी कि इसे भरना कैसे है, फिर वो फॉर्म जिसे भरना है, थर्ड रिक्वेस्ट लेटर कि भाई वापस भेज दो इसे, रख के मत बैठ जाना, ठीक है ना। तो सेंड इट बैक का एक रिक्वेस्ट लेटर भी वहाँ पे होगा, तो उसको पढ़ के हम उसे वापस करेंगे, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा केसेस ये होते हैं कि वो सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप होते हैं। सेल्फ एड्रेस्ड का मतलब कि वो प्रीपेड एनवलप होता है, हमें कुछ भी पे नहीं करना होता, हमें जस्ट बस उसे फिल करके पोस्ट ऑफिस में पकड़ाना है, वो वापस चला जाएगा, ठीक है ना। उसकी पेमेंट पहले से हो रखी होती है। तो पोस्ट कैन बी डन थ्रू द सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप विद द पेड स्टैम्प, ठीक है। तो वहाँ पे पेड स्टैम्प लगी होगी तो वो सीधा से वापस चला जाएगा, हमारी कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी। तो इसमें मेरिट क्या होगी, वेरी इकोनॉमिकल वे हो गया क्योंकि ज़्यादा पैसा नहीं लगा। तो इट गिव्स द वाइड एरिया, सॉरी इट कवर्स द वाइड एरिया। तो यहाँ पे एक वाइड एरिया कवर कर लिया जाएगा, क्योंकि अगर हमने ईमेल किया तो ईमेल से तो वाइड एरिया कवर ही किया जाएगा, बट पोस्ट से भी कवर किया जा सकता है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमें, ठीक है ना। तो इट रिक्वायर्स नो मच लेबर, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ दो चार बंदे चाहिए, ठीक है ना, वो ये काम आसानी से कर देंगे। तो डीमेरिट्स में देर इज़ नो एनी श्योरिटी ऑफ द रिस्पॉन्स, भाई रिस्पॉन्स का क्या पता है, वो जाके रख लें अपने पास और या तो फाड़ के रख दें, ठीक है ना, फाड़ के अपने पास रख लें या फिर फेंक दें, तो रिस्पॉन्स भूल जाओ। ओनली द एडुकेटेड पर्सन कैन रिस्पॉन्ड टू इट, अगर मेल होगी तो मेल एडुकेटेड पर्सन ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो उसे पढ़ते हैं, ठीक है ना, या फिर पोस्ट ऑफिस के जरिए भी भेजोगे। अगर आप इंग्लिश में भेज रहे हो तो इंग्लिश वाला ही पढ़ के वहाँ पे कुछ लिख के हमें भेज सकता है, ठीक है ना। अगर किसी को नहीं पता तो वो उसे फाट के फेंक देगा, ओके। समटाइम्स द सेंसिटिव क्वेश्चंस कैन डिस्टर्ब द इन्फॉर्मेंट, कई बार क्या होता है कि जैसे कि हमने किया था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, उसमें हमने सेंसिटिव क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया क्योंकि हमें पता था हम वहाँ पे ही थे, प्रेजेंट थे। यहाँ पे हम प्रेजेंट नहीं है, हमें नहीं पता कि कौन चेक कर रहा है, ठीक है, वो चेक कर रहा है, उसके लिए वो सेंसिटिव क्वेश्चन हो, हमें कुछ नहीं पता, तो सेंसिटिव क्वेश्चन पढ़ के वो इन्फॉर्मेंट को हर्ट कर सकता है। तो रिस्पॉन्स ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड, तो एटीट्यूड पे रिस्पॉन्स डिपेंड करता है। एटीट्यूड अगर चेंज हो जाए, अच्छा एटीट्यूड है, बुरा एटीट्यूड है, सिचुएशन कौन सी है, उस पर रिस्पॉन्स डिपेंड करेगा। तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मे नॉट बी कलेक्टेड, ठीक है, कई बार क्या होता है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आती ही नहीं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमने फॉर्म में 10 कॉलम लिख दिए, कईयों ने 5 कॉलम ही भरे, तो 5 की तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई, 5 क्वेश्चन जो छोड़ दिए वो इम्पोर्टेंट थे, समझाया ना, तो उसमें रेलिवेंट रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आगे हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है, शेड्यूल सेंड थ्रू द एन्यूमरेटर्स। तो शेड्यूल सेंड थ्रू द एन्यूमरेटर्स में क्या कहते हैं कि एक क्वेश्चनरी की तरह ही बना के शेड्यूल एन्यूमरेटर्स को दे दिया जाता है। एन्यूमरेटर्स जाते हैं, एन्यूमरेटर्स उस क्वेश्चनरी को पूछ पूछ के फिल कर लेते हैं, जैसे कि कई बार क्लासेस में आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में क्लासेस में आते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, शूज़ वगैरह का, ज़्यादातर शूज़ की कंपनीज आती हैं, शूज़ वगैरह का या फिर कुछ ब्रांड्स की कंपनीज आती हैं, उनका 2-3 पेजेस का फॉर्म बना होता है, वो फॉर्म क्या करते हैं स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके उनसे भरवाते हैं, ठीक है, या फिर खुद भी भर देते हैं, कई बार उनसे पूछ पूछ के खुद भी भर देते हैं कई बार, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि वो एन्यूमरेटर्स हैं सभी, ठीक है, उनके साथ 4-5 लोग आते हैं, वो खुद भरवाते हैं सारा लग के, ठीक है ना। तो वो प्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन को समझाते हैं, फिर वो सारा काम करके उनको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके वापस ले जाते हैं। तो ये सारा काम रहता है, ये सारा तामझाम रहता है। तो दिस मेथड ऑफ अ क्वेश्चनरी लिस्ट इज सेंड टू द एन्यूमरेटर्स बाय द इन्वेस्टिगेटर, एंड एन्यूमरेटर्स पर्सनली हैंड ओवर दीज लिस्ट टू द पब्लिक एंड इंस्ट्रक्ट देम टू फिल इट, और वो उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे फिल करना है। तो इट इज़ डन बाय द वेरियस फैशन कंपनीज, ठीक है, टू एब्जॉर्ब द चेंज ऑफ द फैशन इन अ रिस्पेक्टिव मार्केट या फिर रिलीजन रीजन या फिर सर, ठीक है। तो इनमें चेंज क्या आई है उसको देखने के लिए ये फॉर्म इशू किए जाते हैं कुछ फैशन कंपनीज के द्वारा, ताकि वो देख पाएं कि कौन सा ब्रांड चल रहा है, कौन सा ब्रांड नहीं चल रहा है, कौन सा फैशन नया आया है या फिर आना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट की रिक्वायरमेंट के लिए ये देखा जाता है। तो आगे मेरिट्स इसमें आएंगी, इट कलेक्ट्स अ मोर रिलायबल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जाके कलेक्ट कर रहे हो भाई। तो इसके बाद इट इज़ द बेटर मेथड टू गेट द मोर रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक, देयर इज नो सच पर्सनल बायास, डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द अनएडुकेटेड पर्सन, लार्ज एरिया कैन बी कवर्ड, ठीक है। तो आगे डीमेरिट्स में ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, सेंसिटिव क्वेश्चन इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि
क्वेश्चनरी पहले से तैयार है। इट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लॉन्ग क्वेश्चनरी लीड्स टू अ नो रिस्पॉन्स। अगर ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो हम वहाँ पे छोड़ देंगे, हम उसे कहेंगे कि हम इतने नहीं भर सकते, ये तुम खुद भर लो। ठीक है, कई बार हमारी ये वर्डिंग होती है सीधी कि हाँ भाई इतने नहीं भर सकते, ठीक है, तो आधा फॉर्म फिल करके हम छोड़ देंगे। तो एन्यूमरेटर्स शुड बी एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, एन्यूमरेटर्स जो होने चाहिए वो एक्सपर्ट होने चाहिए, ठीक है, फिर ही तो उसे हम इंस्ट्रक्शंस दे पाएंगे, ठीक है ना, फिर ही तो पब्लिक को इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे और उनसे रिस्पॉन्स ले पाएंगे। ठीक है, आगे कलेक्शन ऑफ द सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा हमने बात की थी, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा जो किसी में से कलेक्ट किया जाता है, पहली बार कलेक्ट हो चुका है, हम दूसरी बार कलेक्ट कर रहे हैं, तो दीज आर द सोर्सेज, मेनली टू सोर्सेज ऑफ द कलेक्ट सेकेंडरी डाटा एंड दीज आर पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। तो पब्लिश्ड कुछ सोर्सेज जो कि ऑफिशियल हो चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं, जिनका कॉपीराइट रॉयल्टी वगैरह किसी के पास है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आएगा गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट पब्लिकेशन जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके वेरियस अथॉरिटीज, उसकी वेरियस मिनिस्ट्रीज वर्किंग करती हैं, ठीक है, वो कुछ रिपोर्ट्स, कुछ सर्कुलर्स, कुछ प्रेस रिलीज, कुछ प्रेजेंटेशन, कुछ बुक्स वगैरह, कुछ और अदर डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर देती हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट क्यों करती हैं, कुछ नए लॉज लाने होते हैं, पॉलिसीज, प्रोविजन, बजट्स, अमेंडमेंट करनी होती हैं, कुछ कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं उनको प्रेजेंट करना होता है, तो इस सब के लिए उसे पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो इन सोर्सेज से पब्लिक क्या करती है, कुछ इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट करनी है तो वो कलेक्ट कर लेती है। सेमी गवर्नमेंट, जिसमें से गवर्नमेंट का भी हिस्सा है और प्राइवेट का भी हिस्सा है, तो वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन भी अपना डाटा प्रेजेंट करती है और उसमें से भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद प्राइवेट पब्लिकेशन, प्राइवेट में क्या होता है, सिर्फ प्राइवेट आएगी, वो कंपनीज, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनको क्या करना होता है, उन कंपनीज को क्या करना होता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी पड़ती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, वो सारा कुछ आ जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, ठीक है, तो वो सारा कुछ प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें से कोई दूसरी कंपनी या फिर कोई कंज्यूमर या फिर कोई इन्वेस्टर या गवर्नमेंट या फिर डेटर या फिर क्रेडिटर, कोई भी पर्सन जो कि उस कंपनी से जुड़ा हुआ है, जो भी उस कंपनी से कोई रिलेशन रखता है, वो उससे डाटा कलेक्ट कर सकता है। आ गया इंटरनेशनल पब्लिकेशन। इंटरनेशनल पब्लिकेशन में कहते हैं वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट द रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू देयर एक्टिविटीज। काफ़ी इंटरनेशनल पब्लिकेशन भी, सर्च प्रोसीजर्स वगैरह एट्सेट्रा, तो सम वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, हमारे गूगल पे अपलोड करते हैं, ठीक है, उसमें से हम कुछ ले सकते हैं, उसमें से कुछ कलेक्शन करके अपना यूज़ कर सकते हैं, ओके तो कुछ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, जर्नल्स में से हम इंफॉर्मेशन लेके अपना यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमें पता है, न्यूज़पेपर में आती है, मैगजीन्स में आती है, अगर हमारे घर पे लगे हैं तो उसमें से हम इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे, जैसे कि वोकैब, कई बार हम क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर को पढ़ते समय वोकैब हम कलेक्ट कर लेते हैं, तो वोकैब के काफ़ी वर्ड्स हमें मिल जाते हैं, काफ़ी हमें सेंटेंस मिल जाते हैं, कोई न्यूज़ हमने कलेक्ट करनी है तो न्यूज़ मिल जाती है, तो ये सारा कुछ हमें कलेक्ट करने मिल जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, जैसे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, स्पोर्ट, यूनिवर्स, हेल्थ, फैशन, इससे रिलेटेड, ठीक है, जर्नल्स वगैरह आती हैं और अदर अदर इंफॉर्मेशन विच में बी फॉर जर्नल एक्टिविटीज और फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। आगे रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट से हम कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंस में कि रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैट को यूज़ करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कुछ फिगर्स निकालनी होती है, जो रिपोर्ट, जो फिगर्स वो निकालते हैं उससे हम अपना कलेक्ट करके डाटा यूज़ कर सकते हैं फर्दर, ओके तो इससे भी कलेक्शन हो सकता है। आगे बुक्स आ गई। बुक्स, बुक्स आपको पता है मेन सोर्स है, ठीक है, बुक्स काफ़ी सारी जो हमारे पास मार्केट में आती हैं वो पब्लिश्ड होती हैं, क्योंकि उनमें, उनके ऊपर पब्लिशर का नाम लिखा होता है कि इस पब्लिशर ने ये बुक प्रिंट की है, ठीक है, उस पब्लिशर के पास उसका अधिकार होता है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड होता है, वो कॉपीराइट होती है, ओके तो उसमें से काफ़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हम कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं, अपने यूज़ में लेके आ सकते हैं, जैसे कि टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई, नई बुक्स जो आती हैं अप टू डेटेड, उनको उठा के उनमें से इंफॉर्मेशन लेके हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो ये कुछ सोर्सेज हो गए, इनमें से इंफॉर्मेशन लेके हम इसे यूज़ कर पाएंगे। तो ये रहा हमारा कलेक्शन का चैप्टर, ठीक है, तो डाटा कलेक्ट कैसे करना है, कलेक्ट किस तरह किया जाता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है, और काफ़ी आपको इसमें से सीखने को मिला। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सबसे पहले तो लाइक करके जाओ, बिना लाइक करके मत जाना, ठीक है, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो
मेरा ख्याल है कि आपके दोस्तों को भी अच्छी लगेगी, अगर आपके दोस्त भी प्लस वन में ही है, ठीक है ना, तो उनको भी हो सकता है इस चीज़ की ज़रूरत हो, तो आप उनको भी सेंड करो, उनको भी व्हाट्सएप पे सेंड करो, एक बार देखो, ठीक है, उनसे भी बात करो कि ये वीडियोस डल रही हैं यहाँ पे और बीकॉम से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस डल रही हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये चैनल, ठीक है, तो इसको आप सब्सक्राइब करके रखो अपनी सब्सक्राइब लिस्ट में, ताकि आपसे कहीं खो ना जाए ये चैनल, ठीक है। तो तब तक के लिए शुक्रिया, अगली वीडियो में मिलेंगे, अगली वीडियो में मैं तीसरा चैप्टर इसका डाल दूंगा, तो तीसरा चैप्टर आप इन्जॉय कीजिए, ठीक है, फर्स्ट दो चैप्टर मैं डाल चुका हूँ, उसको भी आप इन्जॉय कीजिए, और उनको एक बार फिर से देखना हो तो एक बार फिर से देख के अपनी रिविज़न फुल रखिए, तो एक बार मैं टेस्ट भी रख लूँगा आपका, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है ना, उसमें पहले दिन मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, अगले दिन उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम आगे चल पड़ेंगे, तो इसी तरह से मैं फुल रिविज़न कराऊंगा पूरा ये कोर्स कंप्लीट करवाने के बाद स्टैट का, फिर अगला एक नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस जैसे कि एक्सेल से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड या फिर इनकम टैक्स से रिलेटेड ये आती रहेंगी बीच बीच में, ठीक है, तो इनको भी इंजॉय करते रहिए, तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।